हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरे चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज जिसे हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है पक्षियों को दाना डालें वो पानी रखें। दोस्तों, आप सभी को पता ही हो कि हमारे जो नेचर है, हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा पर्यावरण है, उसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जीव जंतु रहे, वो जलीय जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे क्यों ना हो। तो उसी में हम देखते हैं कि एक जो हिस्सा है वो पक्षियों का भी होता है। और पक्षी जो होते हैं, आप आमतौर पर अपने आसपास, जैसे वैसे तो कई हजारों प्रकार के मतलब जो प्रजातियां होती हैं पक्षियों को पाई जाती हैं, बट उनको उनमें से ज़्यादातर को वो अलग अलग देशों में एक बोलते हैं कि मौसम के हिसाब से और वनस्पति के हिसाब से और जगह के हिसाब से वो पक्षियों में देखने को मिलते हैं। बट हमारे आसपास ऐसे कई सारे पक्षी होते हैं जो हमें कभी कभार देखने को मिलते हैं, और कई सारे पक्षी तो ऐसे भी होते हैं जो हमें चिड़ियाघर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर उनकी दुर्लभ प्रजाति कई सारे में देखने को मिलती है चिड़ियाघर के अंदर। बट वो तो या जंगलों में रहते हैं या अपने अपने देशों के हिसाब से अलग अलग जलवायु या मौसम के साथ अलग अलग जगहों पर रहते हैं, बट हम अपने आसपास भी कई सारे पक्षियों को आमतौर पर डेली हमें देख ही जाते हैं। जैसे कि अगर हम तीन चार पक्षियों की बात करें तो हम डेली अपने सुबह से लेकर शाम तक का जो हमारा रूटीन होता है, उसमें हम कभी घर से बाहर निकलते हैं या कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या कुछ सामान लेने जाते हैं, तो हमें तीन चार प्रकार के पक्षी तो हमें डेली दिख जाते हैं। कुछ दुर्लभ ऐसे भी तो कभी कभार हमें दिख जाते हैं, कहने का मतलब। तो चार पांच प्रकार के पक्षियों की बात करें तो जैसे कौवा हो गया या कबूतर हो गया, कभी कभी हमें हिरन जो एक पक्षी होता है वो भी कभी कभी जहाँ पर जैसे कचड़े का ढेर वगैरह होता है, जहाँ पे कूड़ा वगैरह होता है, वहाँ पे हमें देखते हैं काफ़ी सारे। उसके ऊपर हमें बाज वगैरह, गिद्ध वगैरह भी मंडराते हुए दिखते हैं। और जो छोटी चिड़ियों की बात करते हैं, गोरैया हो गई, चिड़िया स्पैरो हो गई, कभी कभी हमें तोता वगैरह भी दिख जाता है। और मतलब ये चार पाँच प्रकार के पक्षी होते हैं हमें, जिसमें से कौवा और कबूतर और गोरैया तो हमें डेली कभी ना, और मैना बर्ड भी हो गए जो आप ज़्यादातर पार्क वगैरह में या खंभों पर बैठे हुए या पेड़ों पर बैठे हुए कहीं भी आप इनको आमतौर पर देख सकते हैं। मतलब मैना, कबूतर, कौवा, गोरैया, कभी कभी बाज या गिद्ध, या कभी हिरन, या कभी हरे वाले जो तोता होते हैं, मतलब उनको भी आप देख सकते हो अपने आस पास। तो जो एक जो ज़्यादातर हमें दिखते हैं, मतलब तोता हो गए या गिद्ध वगैरह, तो काफ़ी तोता तो कभी कभार हमें दिखता है और गिद्ध काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है और बहुत कम दिखता है। लेकिन जो हमें आसपास अपने घर पर कभी हमें घर पर हमेशा दिखते हैं, कबूतर, गोरैया या मैना और कौवे, मतलब ये तीन चार पक्षी होते हैं हमें डेली दिखते हैं, और ये कहीं भी इजिली उड़कर बैठ जाते हैं या खाने की तलाश में, दाने की तलाश में। और कई बार जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमने रेड लाइट पर हम देखते हैं, मतलब फुटपाथ के किनारे कई लोग एक दाना डालने का पॉइंट बना देते हैं, मतलब कि यहाँ पर वो दाना डालते हैं, और बहुत सारे कबूतर वगैरह आ गए जिसमें कभी कई बार जो व्हाइट वाले कबूतर भी जो हमें उसमें दाना चुगते हुए दिखते हैं, कहने का मतलब। तो ऐसा आपने रेड लाइट का जो क्रॉसिंग होता है या वहाँ पे जो एक बीच में एरो होता है, मतलब फुटपाथ वाला एरिया, वहाँ पे कई लोग दाना डालते हैं, मतलब। और वहाँ पे कई बार ऐसे दाना तो लोग डालते हैं, वहाँ पे एक बंदा बेचने वाला भी होता है कि वो 10 रुपये थाली और 20 रुपये में बड़ी थाली, इसमें दाने भरे होते हैं, दाल वगैरह भरी होती है, वो देता है, लोग उसको खरीद कर भी वहाँ पर डालते हैं। तो कहने वाले तो चलो हम वहाँ पर कभी विजिट किया तो लोग वहाँ पर खरीद कर डाल दे रहे हैं, वहाँ पर हमें ऐसे जगहों पर जहाँ पर दाना वगैरह डालते हैं या कोई बेच रहा होता है तो लोग खरीद कर डाल देते हैं, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा झुंड में कबूतर वगैरह होते हैं और दाना वगैरह खा रहे होते हैं। लेकिन जो कबूतर वगैरह हमारे कॉलोनियों के आसपास घूमते रहते हैं, या दूसरे को गोरैया हो गई या दूसरे पक्षी हो गए, मतलब कभी कभार हमें दिखते हैं, मतलब मैना हो गए, तो एक तो हो गया उनको पॉइंट, जहाँ पे हमने पॉइंट्स बना दिए वहाँ पर वो खाना मिल जाता है। लेकिन हमारे घर के आसपास जब पॉइंट्स नहीं होते तो हमें क्या करना चाहिए,
उसके लिए हमें तीन चार हैबे मतलब तीन चार चीजें मतलब एक दो दो एक दो चीजें करनी चाहिए जिनको आप करोगे तो इनकी हम अच्छे देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रकृति ने इन चीजों को बनाया है मतलब भगवान ने इन चीजों मतलब पक्षियों को बनाया है तो इनकी हम केयर तो हम कर ही सकते हैं। छोटी सी पक्षी होते हैं मतलब और इनको क्या दाना और पानी चाहिए होता है। गर्मियों के मौसम में आप सभी को पता ही होगा कि गर्मियों में जब नॉर्थ इंडिया में मतलब जब ये अप्रैल से लेके और जो जून का टाइम होता है मतलब ये खासतौर पर जो अप्रैल मई जून 3 महीने काफी जब गर्मी का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई लेवल पर होता है तो इस टाइम लोग अपने साथ जब बाहर निकलते हैं चाहे ऑफिस जा रहे हो कहीं घूमने जा रहे हो किसी पर्पज से जा रहे हो मतलब तो वो लोग पानी की बोतल लेके निकलते हैं कहीं प्यास वगैरह लगे तो पानी को पी सके तो वो तो अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन कई सारे पक्षी ऐसे भी होते हैं मतलब जो ऊंचाइयों पर उड़ रहे होते हैं या कबूतर वगैरह होते हैं या कौए या गौरैया या दूसरे तोते वगैरह भी कभी कभी दिखते हैं जो या मैना भी हमें छत पर दिखती है मतलब जो पानी की तलाश में दाने की तलाश में एक तो जहाँ पे पॉइंट है वहां तो उनको मिल जाता है लेकिन जो आम घरों के आसपास घूमती रहती है तो वो दाना ढूंढती हैं या फिर पानी ढूंढती है मतलब। तो कई चिड़िया जब उनको पानी या दाना टाइम पर नहीं मिल पाता तो वो मर जाती है कहने का मतलब। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें एक तो दो चीजें करनी चाहिए कि उनको चाहिए क्या दाना चाहिए और दूसरा उनको पानी चाहिए। तो छोटे छोटे बर्तनों के अंदर हमें छत के ऊपर क्योंकि ये चीजें कब आती हैं हमारे छत के ऊपर कब चली जाती हैं हमें कुछ पता नहीं होता है और ये चीजें हमारे घर के ऊपर से उड़ती वगैरह रहती हैं और देखती रहती हैं कि जहाँ वो थोड़ा मतलब दाना वगैरह देता है तो आकर बैठ जाती हैं और खाकर उड़ जाती हैं या फिर उनके पानी होकर स्रोत वगैरह दिख जाते हैं मतलब कि घर में छत पे किसी गड्ढे में या कोई पुराना बर्तन रखा हुआ उसमें पानी कहीं भर गया बारिश का तो पी रहती है। लेकिन ये तो एक सोची हुई थिंकिंग नहीं है। तो अगर पानी गर्मियों के टाइम में तो पानी होगा नहीं बरसात के मौसम में पानी चलो भर गया तो उन्होंने पी लिया तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उनको ऑलवेज टाइम पानी वगैरह मिल सके या दाना वगैरह मिल सके। तो आपको या हमें यही करना चाहिए मतलब दो चीजें करना चाहिए कि हमें घर की छतों छतों के ऊपर मतलब एक बर्तन के अंदर दाने वगैरह जो गेहूं के दाने होते हैं या चावल के दाने या दाल के दाने वगैरह जो होते हैं या जो सब्जियां वगैरह होती है मतलब उनके थोड़े थोड़े पीसेस लेकर डालने चाहिए क्योंकि ये तो पत्तियां वगैरह भी खा जाती है दाने तो खाते ही हैं साथ में। तो एक बर्तन के अंदर जो अनाज के दाने होते हैं मतलब उसको डाल दिया और दूसरे बर्तन के अंदर में पानी भर के रख दिया तो इससे क्या हुआ कि अगर हमारे छत के ऊपर से कभी कभार कोई पक्षी पक्षी उड़ता है चाहे वो कौवा हो चाहे वो कबूतर हो मैना हो या गौरैया हो तो वो जब इन इन चीजों की तलाश में अगर हमारे छत पे घूमेंगे मतलब और अगर उनकी नजर पड़ जाती है मतलब तो वो अगर वो बहुत ज्यादा भूखे हैं मतलब या उनको प्यास लगी हुई है तो हमारे छत के ऊपर आकर वो दाने को खाकर और पानी को पीकर अपनी प्यास अपनी भूख को मिटा सकते हैं। क्योंकि गर्मियों के टाइम में आप सभी को पता ही है कि जब गर्मी ज्यादा तेज होती है तो कितनी ज्यादा हमारे मतलब टेम्परेचर हाई होने की वजह से मतलब जब 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है तो मुंह सूखने लगता है और हम हर 1 घंटे में पानी पीते हैं 1 गिलास मतलब तो तब भी हमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता क्योंकि लोग ठंडा पानी वगैरह पीते हैं मतलब गर्म पानी में वो मजा नहीं आता वो मतलब एक फीलिंग नहीं आती है मतलब। तो आपको आपको क्या बोलते हैं आपको जब व्यक्तियों की मनुष्य की यह हालत होती है तो पक्षी तो छोटी सी जान होती है मतलब तो उनकी क्या हालत होगी। तो अगर हम उनके उनके प्रति कुछ कर सकते हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है क्योंकि अगर हम चीजों को देखते हैं पक्षियों को देखते हैं तो हमें एक अच्छा फीलिंग होता है कि चलो जैसे बचपन में अभी अभी की बात करूँ तो जैसे मैं जब सुबह उठता हूँ तो हमने भी छत पर बर्तन वगैरह पानी वगैरह रखा हुआ है मतलब और दाने वगैरह भी डाल देते हैं तो कभी कभार पक्षी आके खा के निकल जाते हैं। लेकिन जो और एक चीज मैं बताऊं कि जैसे आज के 10 साल पहले या 15-5 साल पहले भी मैंने देखा था जो गोरैया बर्ड होती थी वो काफी ज्यादा दिखा करती थी मतलब। लेकिन अब ज्यादातर मेरे घर के आसपास मुझे कबूतर ही दिखाई देते हैं कौवे दिखाई देते हैं और मैना बर्ड दिखती है लेकिन जो गोरैया वाली प्रजाति है वो मुझे बहुत कम दिखाई देती है मतलब। तो पता नहीं अब जो भी है मतलब तो अगर हम इनकी केयर करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहेंगे और इनकी प्रजाति बनी बची हुई रहेगी और इनको देखकर हमारे एक बचपन वाली फीलिंग भी आती है कि बचपन में हम देखते थे या सुबह उठकर वॉक पर जाते थे तो सुबह उठते ही हमने देखते थे कि छतों पर चींची आवाज आती थी चिड़ियों की मतलब। या तो सबसे पहले सुबह के टाइम कोई पक्षी उठता है तो वो
गोरैया उठती थी और उसकी चहकने के बारे में सुनाई देती थी, तो हमें पता चल जाता कि हाँ अब सुबह हो गई है। मतलब एक सुबह का जैसे एक अलार्म सा फीलिंग होता था। लेकिन अब मुझे बहुत कम, मतलब महीने में कभी 4-5 बार कहीं 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 पे गोरैया बढ़ दिख गई तो दिख गई, क्योंकि वो छोटी छोटी सी, मतलब तो इनकी प्रजाति को हम तभी लॉन्ग टाइम तक से मतलब बचा के रख सकते हैं, मतलब जब हम उनके प्रति कुछ करें या उनके प्रति हमारा कुछ करने का नजरिया बनेगा। तो वो यही नजरिया है और यही एक टाइम है कि जब हम उनके लिए कुछ कर सके, मतलब क्योंकि इनकी हमें प्रजाति को बचाना है ताकि ये हमें हमारे मतलब हमारे एनवायरमेंट में बने रहे, बची रहे और सेफ रहे हमारे को, मतलब हमारे एनवायरमेंट के अंदर। तो हमें यही दो चीजें सिर्फ करनी है, मतलब कि हमें छत के ऊपर एक बर्तन के दाने वगैरह रख दिया और दूसरे बर्तन में पानी वगैरह रख दिया, ताकि जब कोई पक्षी वगैरह हमारे छत के ऊपर से गुजरे, मतलब तो अगर उनको भूख वगैरह लगी हो या प्यास वगैरह लगी हो, क्योंकि ज्यादातर जो पक्षी वगैरह उड़ते हैं हमारे छतों के ऊपर से, कई बार वो छत पर आकर बैठ भी रहते हैं। मैंने कई बार देखा है कि मेरे जो सामने वाले जो पड़ोसियों की छत होते हैं उन पर आकर वो बैठते हैं। तो घर वाले जो आंटी है वो भी जो गेहूं के दाने वगैरह लेकर छत पे डाल देती हैं, तो वो दाने वगैरह खाकर उड़ जाते हैं और बर्तनों में पानी भी रख देते हैं। मतलब कई लोगों ने देखा है जो फॉलो करते हैं, जो कि एक मतलब अच्छा काम होता है समाज के लिए भी, और समाज के लिए मतलब क्योंकि अगर हम पक्षियों को बचा रहे हैं या उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो समाज के लिए भी अच्छा ही काम है और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी एक अच्छा काम है। और तीसरा, ये एक पुण्य का काम भी होता है। मतलब जैसे आजकल कहा जाता है ना कि हम लाइफ में कुछ भी कर ले या कितना भी धन क्यों ना अर्जित कर ले, मतलब लेकिन वो चीजें जब व्यक्ति मर जाता है, मतलब तो वो चीजें आपके सांस में ऊपर नहीं जाती हैं। जाता क्या है, आपने जो जीवन के अंदर अच्छे कर्म किए हैं, किसी का भला कर दिया, किसी के साथ अच्छी बातें बोल दी, या किसी को कुछ खिला दिया, या जानवरों को कुछ खिला दिया, या अच्छे कर्म कर दिए। मतलब जो भी हम अपने जीवन के अंदर लाइफ में अच्छे कर्म करते हैं वही हमारे साथ मरने के बाद ऊपर जाता है, और उसी उसी कर्मों के आधार पर ही हमारा लेखा जोखा होता है, कहने वाला हमें क्या पुनर्जन्म में, मतलब अगले जन्म में हमें कौन सा जन्म मिलेगा, सब कर्मों के आधार पर ही होता है। तो जो भी आपने देखा होगा पार्क वगैरह में, कई लोग जैसे चींटियाँ वगैरह लाइन से जा रही होती हैं तो लोग वहाँ आटा डाल के डाल देते हैं या चीनी डाल देते हैं, तो वो सब अच्छे कर्म ही है। मतलब या जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि लोग रेड लाइट के जो पॉइंट्स होते हैं या फुटपाथ के जो कॉर्नर वगैरह होते हैं, साइड होते हैं, वहाँ पे कोई बंदा दाने वगैरह का बोरी लेके मिक्स अनाज का, उसमें गेहूं भी होता है, दालें भी होती हैं, चावल भी होते हैं, वो थाली के साथ दे रहा होता है। तो जिनको अच्छा कर्म करना होता है, पुण्य कमाना होता है, तो वो लोग जिसकी जो आस्था होती है, मतलब कोई 10 रुपए वाली थाली लेके वहाँ पे डाल देता है, कोई 20 वाले, मतलब कई लोग गाड़ियां रो रो कर गाड़ियों से उतर कर वहाँ पे खरीदते हैं, उनको डाल देते हैं। तो यही सब अच्छे कर्म होते हैं, मतलब क्योंकि कबूतर या जो पक्षी या दूसरे पक्षी हो गए वो खुद तो इन चीजों को खरीद नहीं सकते ना, हम अगर तो इंसान ही खरीद सकता है, मतलब क्योंकि इंसान कमाता है, मतलब हाँ कोई ज्यादा कमाता है कोई कम कमाता है, वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो उसकी नॉलेज और एजुकेशन और स्किल्स पे डिपेंड करता है, कहने का मतलब। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए अपने मतलब अपने लाइफ के अंदर जो कि हमारे समाज के लिए भी अच्छा हो और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो, और वो यही कर्म, क्यों हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। मतलब तो उसी अच्छे कर्म के अंदर हमें अपने आप को यह भी करना चाहिए कि हम आज के बाद जब भी मतलब हमें इस हैबिट को अपना लेना चाहिए कि एक छोटे मिट्टी के बर्तन में या घर में कोई प्लास्टिक का बर्तन है, कोई सा भी बर्तन हो, उसमें एक में पानी भर कर रख दिया और एक बर्तन में अनाज के दाने डाल दिए, कहने का मतलब, ताकि पक्षी वगैरह उसमें अगर छत पर रखने के बाद पक्षी वगैरह आए वो दिखे तो खा ले। और आपको चेक भी करते रहना चाहिए कि 1-2 दिन बाद अगर उसमें देना अनाज वैसे ही बचे हुए तो मतलब या थोड़ा सा कम हो गया तो मतलब पक्षी वगैरह आगे खाते जा रहे हैं, और जैसे इसमें अनाज कम हो जाए मतलब बर्तन में से अनाज सारे गायब हो, तो मतलब कोई ना कोई पक्षी खा के चला गया है। और चेक करते रहना है कि इसमें डाल के छोड़ दिया और आपको पता ही नहीं है, और दूसरे पानी भी देखते रहना है कि अगर पानी खत्म हो रहा तो वापस आपको फिल रिफिल कर दिया, और जो अनाज वाला डब्बा उसमें तो आपको थोड़ा सा और डाल दिए दाने वगैरह, ताकि वो पक्षी आते रहे और खाते रहे और वो अपने अपने जो उनको प्यास लगती है उसको हटा सके और मिटा सके, क्या नहीं मतलब। तो ये एक अच्छा काम है जो हमें समाज के हर एक व्यक्ति को करना चाहिए पक्षियों के प्रति, क्योंकि हमारी इन पक्षियों से हमारे बचपन जुड़ा हुआ है। गोरियों गोरैया पक्षी को देखना, तोते को देखना, लेकिन गोरैया तो मेरे बचपन से मैं देखता हूँ आ रहा हूँ, ज्यादातर मुझे कौवे और कबूतर ही दिखते हैं, लेकिन कभी गोरैया भी दिखती है। तो हमें ये एक अच्छा काम करने की इस सोच को अपने दिमाग में डालना चाहिए, और ये दो हैबिट्स हमें
आज से स्टार्ट कर देना चाहिए। छत पर पानी को रखना और एक बर्तन के अंदर दाने वगैरह डाल के रखे देना, अनाज के दाने, ताकि वो जब भी आए तो उनको वो अनाज का दाना या पानी का बर्तन खाली ना मिले और उनको भूख लगी तो उनको खाकर अपनी भूख और प्यास को मिटा सके। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो कि हमें पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए इन दो तरीक़ों से। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, उस टॉपिक का नाम है आप अपने आप को हमेशा मजबूत रखो। मतलब इसको हम इसी टॉपिक को आज डिफाइन करेंगे, आप अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखें, मजबूत रखें। कैसे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आजकल का जो टाइम है काफ़ी भाग दौड़ भरा है। हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी, अपने अपने काम को लेकर, चाहे अगर किसी भी एज की बात करें, अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ता हुआ क्यों ना, उसको अपने स्टडी को लेकर टेंशन वगैरह रहता है और बिजी बंदा रहता, मतलब रहते हैं, और जॉब करने वाले बंदे भी क्यों ना, तो उनको सुबह ऑफिस जाना, दिन भर काम करना, फिर शाम को आना, फिर दूसरी चीज़ें होती हैं दुनिया भर की। उसके अलावा जो घर में लेडीज वर्क भी करती हैं, मतलब हाउस वाइफ के तौर पर, उनको भी सुबह उठ के नाश्ता तैयार करना, फिर बच्चे को रेडी करना, स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम करना, मतलब हर व्यक्ति का जो अपना अपना एक दिनचर्या होता है, अपने वो उस दिनचर्या के अंदर अपने अपने काम में बिजी रहता है। और आप सभी को पता है कि आजकल का जो टाइम है वो काफ़ी भाग दौड़ भरा है, और इस वर्ल्ड के अंदर कई सारे अलग अलग स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग हम देखते हैं। मतलब कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वो जो चाहता है वो खरीद सकता है, मतलब और बैंक बैलेंस होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े घर वगैरह होते हैं। सेकेंड पॉइंट पर हम बात करते हैं, सेकंड वो लोग होते हैं मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, जिनके पास बड़े घर तो नहीं लेकिन अपना खुद का घर होता है, मतलब गाड़ियाँ वगैरह भी होती हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई वो करते हैं और आगे उनका भी लाइफ अच्छा होता है। और तीसरे नंबर पर होता है सिंपल फैमिली या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, ये वो लोग होते हैं मतलब जो पढ़ाई वगैरह पूरी करने के बाद गाँव से शहरों की तरफ आते हैं रोजगार की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, और यहाँ पर आने के बाद वो जॉब वगैरह करते हैं। जॉब पर जाने के लिए उनके पास गाड़ियाँ भी नहीं होती, तो आमतौर पर देखा रहता है कि वो या तो बस से रहते हैं या ऑटो से रहते हैं, रिक्शा से रहते हैं, मतलब इस तरीके से जॉब करते हैं और अपने घर की नीड्स को पूरी करते हैं और अपने घर को संभालते हैं। और इस तरीके से उनकी जो लाइफ होती है काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है, मतलब क्योंकि अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको उनको पैसे मिलेगा, और पैसे मिलेगा तो उनका घर का सारा खर्चा चलेगा। तो इस तरीके से उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है, काफ़ी मतलब मेहनत वाली होती है। और इसी तरीके से जब हम इस वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, मतलब तो जब कोई बच्चा पैदा होता है इस वर्ल्ड के अंदर, तो पैदा होने के बाद एक्चुअली चाहे वो किसी फैमिली में क्यों ना पैदा होता हो, तो पैदा होने के बाद वो दो तीन चीज़ें ही करता है अगले 3 साल तक, 1 से लेकर 3 साल तक। तो पैदा होने के बाद वो मतलब 3 साल तक, क्योंकि छोटा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब तो वो क्या बोलते चलना फिरना सीखता है, खाना पीना सीखता है, बोलना वगैरह सीखता है, क्योंकि उसके दांत वगैरह निकलते हैं। और जैसे ही वो 1-3 साल तक इन चीज़ों को सीखता है, और जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट करके 4th साल में प्रवेश करता है, तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया रहता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, जो कि 1st से लेकर प्राइमरी तक होता है, देन 6 से लेकर 10th तक, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, देन 6 से लेकर 12th तक होता है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर KG, LKG, UKG, 1st, 2nd, ऐसे करते करते आगे की बड़ी क्लासें होती हैं। तो जो बच्चा 14 साल में प्रवेश करता है उसे स्कूल में डाल दिया जाता है, और स्कूल डालने के बाद वो बच्चा वहीं से अपनी उसकी स्टडी लाइफ शुरू होती है। तो हर साल वो हर क्लास को अपने मेहनत लगन से पास करता हुआ रहता है, लेकिन क्योंकि वो छोटा होता है और ऐसा माना जाता है कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है वो
वो बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है। तो पढ़ाई तो वो करता ही, हर साल को मतलब हर क्लास को अपने मेहनत से पास करता हुआ जाता है। लेकिन इस जो मतलब 4 साल 13 साल तक का टाइम होता है चाइल्डहुड होने के कारण, जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे वो उसकी गली में रहते हो, चाहे उसके स्कूल में रहते हो, या क्लास में रहते हो, या घर में क्यों ना हो, चाचा ताऊ मामा बुआ के बच्चे मतलब, तो उसको हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब वो चाहे गली में उसके दोस्त दिखते हैं, हम उम्र के बच्चे दिखते हैं, तो उनके साथ वो खेलता है, कूदता है, कई बार खेलते हैं कूदते वक्त चोट भी लगती है, मतलब कपड़े भी गंदे होते हैं, बाल भी गंदे होते हैं, लेकिन चोट भी लगती है तो कुछ देर के लिए और होता है, थोड़ा दुखी होता है, लेकिन फिर से वो दोबारा खेलना स्टार्ट कर देता है। और इस तरीके से उसका वो जो 4 साल से 13 साल तक एज होता है वो यही करता रहता है। और लेकिन जैसे ही वो 13 साल कंप्लीट करता है और 14वें साल में प्रवेश करता है, तो उसका चाइल्डहुड का टाइम होता है वो खत्म हो जाता है, और वहाँ से फिर जो बच्चा होता है सिंसियर हो जाता है, मतलब चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो देखता है कि उसे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, कपड़े नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो कपड़े गंदे करेगा तो मैडम भी मारेगी स्कूल के अंदर, और मम्मी भी डांटेगी क्योंकि मम्मी को कपड़े धुलने पड़ते हैं और उनको फिर धुलने में प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से मतलब उसे एक होमवर्क टाइम पे करना है, क्लास वर्क टाइम मतलब क्लास वर्क को अच्छे से करना है, टेस्ट वगैरह की अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं उन चीज़ों के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों में कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। वो ये भी देखता है कि जो उसकी फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादाजी थे या नाना जी है, मतलब उन्होंने अपने टाइम में किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर उन्होंने घर की नीड्स को पूरी की, घर को संभाला और अपने लाइफ जी। इस तरीके से उसके पेरेंट मतलब फादर भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के फिर आज हमारे मतलब हमको संभाल रहे, हमारे नीड्स को पूरी कर रहे और अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे। तो इस तरीके से आगे जाकर भी उसे कुछ करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और घर को मतलब संभालना पड़ेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब हम अपने आप को मजबूत कैसे रखें, क्योंकि हर स्टूडेंट जो होता है एक ही प्रकार का नहीं होता है, मतलब हर किसी का जो माइंड का कैचिंग पावर होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, किसी का मिडल होता है, किसी का बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो जिनका स्ट्रांग माइंड होता है स्कूल के अंदर या लाइफ के अंदर, तो उनको आप देखते हो कि वो लोग पोजिशन आते हैं, उनके 80-90% मार्क्स वगैरह आते हैं, जो एवरेज होते हैं मीडियम होते हैं पढ़ने लिखने में उनके 70-75% आते हैं, और जो वीक होते हैं उनके 40-50% आते हैं, जो बहुत ज़्यादा डल मतलब वीक से भी जो नीचे आता है वो फेल हो जाते हैं, आगे कुछ कर नहीं पाते। तो कहने का मतलब हर एक स्टूडेंट का अपना अलग एक कैचिंग पावर होता है माइंड का मतलब। तो अगर जो बहुत ज़्यादा वीक बच्चे होते हैं या मीडियम पढ़ने में होते हैं, तो जो तेज होते हैं वो तो उनको तो अपने लाइफ का पता होता है कि मैं इसको क्लियर कर लूंगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है मतलब, और वो फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है तो उनका डिसीजन लेने के प्रति वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन जो वीक होते हैं या मीडियम एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को वीक पाते हैं, मतलब कि वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, वो फील्ड चूज करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है। जैसे आजकल के टाइम में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है अपना करियर में फील्ड बनाने के लिए, तो वो देखते हैं कि जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फोटोग्राफर, लेक्चरर, डायरेक्टर, टीचर और डांसर, सिंगर, मतलब जो चाहे आप बन सकते हो, लेकिन वो आपको बनने के लिए मेहनत, लगन, परिश्रम, हार्डवर्क, फोकस, एफर्ट, पेशेंस एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। मतलब तो जो यहाँ पर जो स्टूडेंट मतलब स्ट्रांग होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं और काफ़ी मतलब पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, उनका मतलब वो काफ़ी जल्दी डिसाइड कर लेते हैं इन चीज़ों के बारे में कि उन्हें क्या बनना है क्या करना है, फिर वो आगे नेक्स्ट स्टेप पर फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स वीक होते हैं या एवरेज होते हैं पढ़ने लिखने में, वो हमेशा उन चीज़ों से, उन क्वेश्चन से जूझते रहते हैं, मैं ये करूँ या ना करूँ, इससे मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, इसको बहुत हार्ड तरीके से करना पड़ता है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगा, इसमें मेरे को फोकस बहुत करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं वो कितने किसी डाउट में फंसे हुए रहते हैं और अपने आप को उस लेवल पर मतलब डिसीजन लेने के लेवल और अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक पाते हैं, मतलब अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूँ इस वीडियो के थ्रू, मतलब कि जब आप अपने जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे, मजबूत नहीं रखोगे, तब तक आप अपने लाइफ के प्रति जो आपका डिसीजन है मतलब आप ले ही नहीं सकते जो आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो मतलब। और हर किसी को मतलब भगवान ने हाथ पैर माइंड और लुक अलग अलग होता है, हाइट या चेहरा का रंग अलग अलग होता है, लेकिन माइंड, आँख, कान, नाक सबको भगवान ने बराबर ही दिए। तो आप खुद डिसाइड करना है कि आप अपना माइंड कितने परसेंट तक यूज़ कर सकते हो और लाइफ में आप कितने आगे तक जा सकते हो, और ये सब डिपेंड करता है जो कि मैंने आपको 5 रूल्स बताए थे लाइफ के, हार्डवर्क फर्स्ट,
सेकेंड एफर्ट, तीसरा फोकस, चौथा प्रैक्टिस एंड फिफ्थ पेशेंस यानी धैर्य रखना। तो अगर आप इन चार पांच रूल्स को फॉलो करोगे और अपने आप को लाइफ में स्ट्रांग रखोगे, मतलब इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब अपने आप अपने आप को अपने जीवन के अंदर स्ट्रांग रखो, मजबूत रखो, तो आप देखो कि जो आपकी मतलब आप अपने आप को स्ट्रांग रखोगे, मजबूत रखोगे, तो आपकी मतलब डिसीजन लेने की जो क्षमता होगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अपने आप को आप देखोगे कि जब आप अपने आप को स्ट्रांग रख रहे हो तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसमें आप अच्छे से चार पाँच रूल्स को फॉलो करते हुए आपको रिजल्ट भी बेटर मिल रहा है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है, आपका जो आत्मविश्वास है सेल्फ कॉन्फिडेंस वो भी बढ़ रहा है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपको जो भी आप करना चाहते हैं बनना चाहते हैं लाइफ के अंदर आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा और आपको एक पॉजिटिव मार्क्स देखने को मिलेगा कि हाँ आपको उसमें धीरे धीरे और सक्सेस वाला एक अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं और आपको इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी तेजी से हो रहा है। और जब आपका इम्प्रूवमेंट होगा तो आपका जो इरादा होगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अपने लाइफ के गोल को अचीव करने का। तो इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की, कि आप अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखो, मजबूत रखो अपने जीवन के अंदर, ताकि आप जो बड़े डिसीजन होते हैं आपको अपने लाइफ में बच्चे आप उनको अच्छे से ले सको और जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो वो बन सको। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में जो कि हेल्थ पर बेस्ड है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे ग्रेट सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आज हम उन पांच आदतों की बात करेंगे जो आपको कभी भी जीवन में मतलब उनको अपनाना नहीं चाहिए और उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्हें हम पांच हैबिट्स की बात करेंगे जिनसे हमें दूर रहने की या ना होने की हमारे लाइफ में कोशिश करनी चाहिए, मतलब क्योंकि आप सभी को पता ही होगा आजकल का जो टाइम है काफ़ी भाग दौड़ भरा है, मतलब और हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी, अपने अपने काम को लेकर, चाहे अगर हम इन्हीं बातों को अगर हम जैसे अगर स्टूडेंट के रूप में बात करें या जो बंदे जॉब करते हैं या बंदे या वो डे टू डे जो घर में काम करते हैं उन पर अगर बात करें तो हर व्यक्ति का अपना मतलब सुबह से लेकर शाम तक अपना वर्क रूटीन होता है और हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी रहता है। अगर हम स्टूडेंट के तौर पर बात करें तो आप देखोगे कि चाहे वो जैसे हमारे देश में आप सभी को पता ही होगा कि जैसे बच्चा 3-4 साल का होता है, मतलब बॉर्न मतलब बच्चा पैदा होने के बाद वो 2-3 साल का होता है, उसके बाद जैसे ही वो 2-3 साल तक तो वो खाना पीना बोलना बोलना चलना फिरना सीखता है, और जैसे लेकिन वो जैसे ही 4 साल का होता है उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। और आप सबको ये पता है कि हमारे भारत देश में दो तरह के स्कूल होते हैं, मतलब एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि फर्स्ट प्राइमरी देन 6th से लेकर 10th तक जिसको हम सेकेंडरी एंड 6th से लेकर 12th तक भी होते हैं जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल होते हैं, मतलब जो कि नर्सरी से स्टार्ट होकर फिर KG LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करते हैं, फिर आगे की बड़ी क्लासे होती है और 12वीं की जब पढ़ाई पूरी हो रही होती है तो उसके बाद हमें हमारी 3 साल की कॉलेज भी होती है और 3 साल के कॉलेज के बाद 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है। वो आपको जैसे आप करंट क्लास को पास करोगे वैसे से आप अगली क्लास में आप बढ़ते जाते हैं। तो जब चाहे स्टूडेंट किसी भी क्लास में पढ़ने वाले क्यों ना हो, मतलब उसको अपने अपने मतलब जब वो स्टडी कर रहा होता है तो स्टडी के टाइम में वो जिस क्लास में पढ़ रहा होता है, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, तो उसके होमवर्क होता है, क्लास वर्क होता है, एग्जाम की प्रिपरेशन होता है, टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसको अपने अपने काम को लेकर एक अलग ही इसका दिमाग में वो रहता है कि हाँ मुझे टाइम पर कंप्लीट करना है, टाइम पर होमवर्क करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हैंडल करने हैं, एग्जाम की तैयारी वगैरह करनी है। इसी तरीके से जो बंदे जॉब करते हैं उनको सुबह सुबह उठना होता है, तैयार होना होता है, ऑफिस जाना होता है, ऑफिस से फिर घर आना होता है, ऑफिस में जो मीटिंग करनी है, फाइलों को देखना या जो भी काम होता है उसको कंप्लीट करना है, जो लेडीजें घर पे वर्क करती हैं हाउसवाइफ के रूप में उनको भी सुबह सुबह उठना, नाश्ता तैयार करना, बच्चे को स्कूल भेजना और हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार करना, फिर दोपहर का खाना करना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, फिर रात का
डिनर तैयार करना, इस तरीके से उनका जो लाइफ होता है पूरा दिन भर एक सर्कल के रूप में एक के बाद एक काम आता रहता है, चलता रहता है। तो यही जो आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ है और एक के बाद एक हमारे पास काम होते हैं मतलब जीवन के अंदर, तो ऐसे चीज़ों में हमें कुछ ऐसे हैबिट का या दिमाग पर रखना होगा जिनको हम अगर ना फॉलो करें मतलब ना अपने जीवन में हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे तो अभी हम उन 5 हैबिट्स की बात करेंगे जिनको हमें अपने लाइफ में फॉलो नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारा जैसे आजकल सभी व्यक्ति मतलब ज़्यादातर क्योंकि जैसे अगर मतलब बहुत ही लोगों की आदत है देर से सोने की मतलब, तो हमारा जो पहला चीज है हमें देर से नहीं सोना चाहिए। और ज्यादातर लोग जैसे फोन में बिजी रहते हैं या फोन में चैटिंग वगैरह करते हैं मतलब, तो देर से क्या होता है काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है। लोग कई लोग 11 11 बजे स्टूडेंट भी रहते हैं वो भी 11 11 बजे तक जैसे पढ़ाई पूरी करने के बाद फोन में चलाया या गेम खेला या जो भी किया, कहने मतलब सीधी सीधी है कि हमें जो देरी से सोने वाली आदत है मतलब उसको हमें दूर करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे या 11:30 तक हो सके तो जल्दी से जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहिए। वैसे तो आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि जैसे एक एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होती है मतलब। तो अगर आप ये मान लो अगर आप 12 बजे अगर आप सुबह अगर और आपको सुबह जल्दी भी उठना है मतलब 5 6 बजे सुबह जल्दी उठने की आदत अच्छी होती है, लेकिन जब आप रात को लेट सोओगे मतलब तो सुबह आप जल्दी उठ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठ भी गए तो आपने नींद कितने घंटे के लिए, मान लो अगर आप 12 बजे सोते हो और सुबह 5 या 6 बजे उठते हो तो आपने 4 5 घंटे की नींद ली, तो जो 2 घंटे की नींद आपने नहीं ली उसका इफेक्ट है किस पे पड़ेगा, आपकी बॉडी के ऊपर पड़ेगा। इस तरीके से तो आपको मतलब यही कोशिश करना है कि आप सारा काम खत्म करके रात का डिनर करके और जो फैमिली मेम्बर्स बात वगैरह करना बात किया और जो भी अगर मूवी वगैरह देखना तो मूवी देख लिया, लेकिन हो सके तो जो एक लेट नाइट तक मतलब जागने की आदत होती है मतलब 12 बार 1 1 बजे तक उसको हमें लाइफ में नहीं रखना चाहिए अपने शरीर के लिए खासतौर पर, क्योंकि हमारा शरीर अच्छा होगा निरोगी होगा बिना मतलब, और जब अच्छे बोलते कोई भी मशीन जब हमारी अच्छी होती है मतलब तो वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। हम जैसे किसी भी तरह से मतलब हमें अपने आप को इस जो हैबिट है मतलब देर से सोने अगर हमारी है तो हमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और इसको इम्प्रूव करते हुए हमें मतलब जल्द एक टाइम बनाना चाहिए मतलब अपने दिन में जो भी हम काम करते हैं खासतौर पर, तो जैसे सुबह जल्दी उठना हो गया उसके बाद जो भी हम एक के बाद एक नेक्स्ट वर्क करते हैं, तो उसमें हमें जो अगर हम देखना चाहिए कि अगर हम देरी से सो रहे हैं मतलब उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर ही पड़ रहा है। आपने देखा होगा जो लोग रात रात पर मतलब कई लोग अगर लेट से होते हैं तो कुछ टाइम बाद उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखने वगैरह लगते हैं मतलब काले काले मतलब निशाने इस आंख के नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर आप देर रात तक जग रहे हो तो उसका एक 2 या 3 ही रीजन होगा, या तो आप किसी से आप घर में अगर बात वगैरह कर रहे हो या मोबाइल चला रहे हो या टीवी वगैरह देख रहे हो, और इन तीनों चीज़ों में क्या होगा आपकी आंखें हमेशा खुली रहेंगी, और जब आपकी आंखों में नींद भी आ रही है लेकिन फिर भी वो जगे हुए या मोबाइल चला रहे हो या टीवी देख रहे हो तो उसका जो बैड इफेक्ट होगा आपकी बॉडी पर पड़ेगा, जो बॉडी पर बैड इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी जो आपको उसकी जो प्रॉब्लम्स है आपको बाहर निकलते हुए दिखेंगे मतलब आंखों के नीचे काले काले धब्बे के रूप में भी आंखों में काफी आपको एक सुबह के टाइम जब आप उठोगे या दोपहर के एक काम कर रहे होगे तो आपको उसका जो एक नींद वाला प्रेशर आपको दिखाई देगा कि आंखों में काफी आपके थकान है या आंखों के आगे कभी कभी एकदम धुंधला सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होता है नींद पूरी ना होने की वजह से। नींद पूरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप लेट सोओगे और सुबह जल्दी उठोगे तो नींद आपकी पूरी नहीं होगी, तो इसलिए जो आपको पहली हैबिट अगर आपकी है अगर आप देर से सोते हो तो इसको इम्प्रूव करना है, और जल्दी से सोने की आदत आपको डालनी है, देर से नहीं सोना है ताकि आपका हेल्थ अच्छा हो, आप लॉन्ग टाइम तक हमेशा स्वस्थ रहे हमेशा अच्छे रहे, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आपका जो जीवन होगा एक हैप्पी होगा और बेटर होगा। तो ये थी दोस्तों हमने बात किया कि हमें अगर हम क्या बोलते हैं देर से सोते हैं तो हमें देर से सोने वाली हैबिट को जीवन में नहीं रखना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहिए, और अगर हम देर से सोते हैं तो इसको इस हैबिट्स को हमें जल्द से जल्द लाइफ से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारा दूसरा है मतलब जो हमें हैबिट्स को नहीं डालना चाहिए वो है कि क्या बोलते हैं अगर आप सुबह जो एक होता है सुबह लेट ना उठना मतलब,
सुबह के टाइम एक तो हो गया, अगर आप लेट सोते हो तो आप सुबह लेट भी उठोगे। तो एक तो पहला मैंने बताया कि आपको सुबह रात को जल्दी सोना है, मतलब आपको मतलब हैबिट लेट नहीं सोना है, जल्दी सोने की आदत डालनी है रात के टाइम। दूसरा आपको सुबह जल्दी उठने की, और एक तो आप देर से अगर सोते हो तो आपको देर से उठने की हैबिट को भी हटाना है, कहने का मतलब। तो अगर आप सुबह के टाइम अगर आपको हैबिट है देर से उठने की मतलब, तो उस हैबिट को भी हटाना है आपको, इस हैबिट को अपने लाइफ में नहीं होने देना है। क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आप सुबह जल्दी उठने के कई सारे फायदे वगैरह होते हैं मतलब, जिनको आप कर सकते हो। अगर आप लेट उठते हो मतलब, तो उसको लेट उठने के बाद जो जिन चीज़ों को आप कर सकते हो उन चीज़ों को चाहते हुए भी नहीं कर सकते, और करोगे भी तो उसका वो आपको जो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको सुबह क्या बोलते हैं, देर से नहीं उठकर, देर से सोकर नहीं उठना चाहिए आपको, और जल्दी उठना चाहिए कहने का मतलब। तो अगर मान लो जैसे अगर आप देर से सोकर उठोगे मतलब, तो आप जैसे ऐसा कहा जाता है कि जो लोग देर से उठकर उठते हैं या जो लोग जल्दी सोकर उठते हैं मतलब, तो अगर आप देर से सोकर उठोगे तो क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते सुबह के टाइम। जैसे बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक पर जाना अच्छा होता है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर जाने से मतलब सुबह, जो कि आप सुबह के टाइम में कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक पर जाने से आपका जो बॉडी होता है एकदम फिट रहता है, स्ट्रांग रहता है, एनर्जेटिक रहता है। और वॉक करने से कई लोगों का जो टमी बाहर आ रहा होता है मतलब पेट बाहर आ रहा होता है, तो वो भी आपका कम होता है मतलब, और आपकी बॉडी काफ़ी एकदम फ्रेश रहती है क्या मतलब, आपको एकदम एनर्जेटिक फील होता है। तो अगर आप सुबह उठकर मतलब देर से अगर उठो सुबह उठोगे मतलब, तो ये चीज़ आप सुबह मॉर्निंग वॉक में कर सकते हैं। क्योंकि जो 5 से 6 बजे से पहले का जो टाइम होता है सुबह का, वो एकदम फ्रेश होता है, फ्रेश एयर होता है। और क्योंकि 6 बजे के बाद गाड़ियाँ वगैरह चलने लगती हैं, तो फिर वो एक मतलब जो हवा वगैरह होता है उसमें, फिर वो गाड़ियों वगैरह की गैसें वगैरह रहते हैं। लेकिन 6 बजे तक पहले गाड़ियाँ वगैरह कम चल रही होती है, नहीं चल रही होती है, तो इसकी वजह से जो हमारा सुबह का माहौल होता है एकदम फ्रेश होता है, स्ट्रांग होता है और काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए जब हम सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो हम एक पार्क के अंदर जाते हैं या जो रोड के साइड में भी मतलब जो पेड़ वगैरह लगे रहते हैं मतलब, सुबह के टाइम अगर हम वॉक करते हैं तो हमें काफ़ी एक फ्रेश फीलिंग होता है, काफ़ी एनर्जेटिक फीलिंग होता है। जो कि क्यों होता है, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठते हैं। इसी तरीके से आप सुबह के टाइम उठकर मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हो। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, तो ध्यान आप 2-3 तरीके से लगा सकते हो। एक तो ओम की चैंटिंग करते हुए मतलब, ओम चैंटिंग करते हो तो आपका जो माइंड होता है वाइब्रेट होता है, आपको काल फील होता है, रिलैक्स फील होता है, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि आप सुबह के मेडिटेशन करते हैं। और ये कैसे हुआ, जो आप सुबह जल्दी उठे, और अगर आप नहीं उठोगे तो फिर वो आपसे चीज छूट जाएगी। तो आपने देखा अगर आप जल्दी देर से जल्दी सुबह अगर आप लेट सुबह सोकर उठते हो तो आप मेडिटेशन वगैरह भी नहीं कर सकते, आप मॉर्निंग वॉक नहीं जा सकते। तीसरी चीज, कई लोग सुबह उठकर योगा वगैरह भी करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, ताकि उनकी बॉडी फिट वगैरह रहे। तो सुबह उठकर कई लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं मतलब, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप सुबह लेट सुबह उठते हैं मतलब सोकर, तो ये भी चीज़ आप नहीं कर पाते हैं सुबह के टाइम। जब आप नहीं कर पाओगे तो आपकी जो बॉडी होगी और मतलब फिट नहीं रहेगी, स्ट्रांग नहीं रहेगी, आपका जो हेल्थ होगा वो कुछ दिनों बाद आप इसी हैबिट को अगर कंटिन्यू करोगे सुबह जल्दी सुबह मतलब लेट उठने की, तो यही जो हैबिट होगी आपकी लॉन्ग टाइम के लिए बन जाएगी, और फिर ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहने का मतलब, आप सुबह अगर देर से सोकर उठते हो तो आपने देखा कि 3-4 चीज़ें आप नहीं कर पाते हो। आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, आप योगा नहीं कर पाते हो, आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पाते हो, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हो कहने का मतलब। तो अगर आप सुबह जल्दी उठकर सुबह आप जल्दी उठते हो सोकर मतलब, तो आप देखते हो कि 3-4 चीज़ें जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग है, इससे आपको एनर्जेटिक फील होता है और आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहती है मतलब। तो इसीलिए आपको, आप देख रहे हो कितने सारी चीज़ें फायदे होते हैं सुबह जल्दी उठने के मतलब, और अगर आप 1:30 सो के उठते हो तो आप इन चीज़ों को नहीं कर पाते हो। तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, और जो अगर आपके हैबिट है देर से सोकर उठने की, इसको आप अपने जीवन से मूव कर सके मतलब। क्योंकि कुछ टाइम के बाद फिर बॉडी काफ़ी मतलब, क्योंकि आप ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं करोगे तो, और सुबह उठकर वॉक वगैरह पे जाओगे तो बॉडी का उस पर बैड इफेक्ट भी पड़ता है मतलब, और जो कि सेहत के लिए
अच्छा नहीं होता है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि आपको जैसे आजकल के टाइम, जैसे 8 के 10 साल पहले जो लोगों के पास मोबाइल उतना अपग्रेड वाला होता ही नहीं था, लोग नोकिया के फोन चलाते थे, मतलब बटन वाले होते थे, छोटे छोटे फोन होते थे, और जो स्मार्टफोन वगैरह उस टाइम काफी कम हुआ करते थे, मतलब और बड़े जो जिनके पास पैसे हुआ करते थे वही लोग अफोर्ड करके स्क्रीन टच वाले फोन या एक छोटा सा पेन भी आता था जिसको हम उसको स्टिक से मतलब चलाते थे, मतलब जैसे। तो कहने मतलब 8 के 10 साल पहले जो मोबाइल वगैरह आते थे मतलब उतने ज्यादा अपग्रेडेड नहीं होते थे, और जो छोटे मतलब जो स्मार्टफोन भी होते थे वो काफी महंगे वगैरह आते थे। लेकिन आजकल के टाइम में आजकल बड़े से बड़े स्क्रीन वाले, टच वाले, ज्यादा से ज्यादा मेगा पिक्सल वाले फोन आ रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट में मैं आपको ये बात करूँ कि आप हमें ज्यादा मोबाइल फोन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मोबाइल वगैरह चलाने से कि एक तो आजकल के टाइम में सभी जब ऑफिस वगैरह में काम करते हैं मतलब, तो वो ज्यादातर जो काम होता है वो कंप्यूटर पर बैठ कर करते हैं या लैपटॉप के सामने बैठ कर करते हैं। और जो कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते वक्त क्या होता है कि जो उसकी स्क्रीन होती है, स्क्रीन की लाइट आपकी आंखों में लग रही होती है, जो कि लॉन्ग टाइम तक काम करने से उसका जो एक इफेक्ट आपकी आंखों पर पड़ता है। चलिए आजकल ज्यादातर लोग हमें चश्मा लगाते हुए दिखते हैं, और मैं भी लगा रखा हूँ क्योंकि मैं भी काम करता हूँ 6 से 7-7 घंटे तक मतलब, तो मुझे ज्यादातर काम जो होता है कंप्यूटर पर ही करना होता है। तो आपने देखा होगा मैं भी चश्मा लगाकर आप सभी से मतलब आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ जो कि आपके लाइफ के लिए अच्छी हो मतलब। तो कहने के मतलब हमें ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जो अब हमने दिन भर काम किया, या बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, तो आजकल के टाइम में मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं पढ़ाई वगैरह करने के बाद घर में फोन वगैरह लेते हैं और लाते भी हैं पेरेंट्स से, क्योंकि उनके पास फोन नहीं होता तो वो अपने पेरेंट्स का फोन लेकर, शाम को पापा आ गए, मम्मी है तो उनका फोन लेकर चलाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि फोन चलाते वक्त जो फोन का जो आपने देखा होगा कि जो स्क्रीन की लाइट होती है वो आपकी आंखों में बार बार, क्योंकि आप कंटिन्यू गेम खेल रहे हो या कुछ चला रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसकी जो लाइट होती है मतलब स्क्रीन की, वो आपकी आंखों में लग रही होती है, जो कि आपकी आंखों के लिए काफी हार्मफुल होता है। मतलब आप जब कोई काम हो या कोई अच्छी वीडियो देखनी है मोटिवेशन से रिलेटेड या सीखने, इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपने यूट्यूब पे सर्च किया और देख लिया या कुछ हेल्प ले ली गूगल से, तो वो आपकी लर्निंग में आ गया। लेकिन अगर आप बिना किसी पर्पज से आप कुछ फोन वगैरह चला रहे हो, तो चलो आप चला रहे हो तो आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हो कहने मतलब। लेकिन आपको अपने जीवन के बारे में भी सोचना है मतलब कि ये चीजें मतलब आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, जो आप किसी चीज को कंटिन्यू वे में करोगे, लगातार 3-3, 4-4 घंटे आप फोन चला रहे हो, बैटरी यूज हो रही है और आपकी फिंगर्स में आप कुछ कर रहे हो, मतलब गेम खेलो तो फिंगर्स में भी उसका जो पुशिंग पॉइंट्स होते हैं उस पर प्रेशर सा पड़ता है कहने का मतलब, और आंखों पर भी इसका प्रेशर पड़ता है कहने का मतलब। तो आपको जो यही कहूंगा कि ज्यादा मोबाइल फोन ना चलाने की आदत डालनी चाहिए। तो जो अगर आप ज्यादा मोबाइल फोन चलाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी एज का क्यों ना हो, तो यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको कुछ अगर लर्निंग की चीजें सीखनी है या सीखनी है, तो एक टाइम डिसाइड करो, और जब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तभी आप मोबाइल फोन को चलाओ मतलब। और बाकी तो आपकी लाइफ है, आपको अपने लाइफ के बारे में पूरा डिसीजन लेने का हक है और राइट भी है मतलब, तो वो आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन करना। लेकिन आपको अपने हेल्थ के बारे में भी सोचना है, क्योंकि मैंने बताया कि जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, मोबाइल की जो स्क्रीन की लाइट होती है वो आपकी आंखों के लिए हार्मफुल होती है, सही नहीं होती है, तो वो आपको डिसाइड करते हुए ही आपको मतलब आगे का मतलब डिसाइड करना है कि आप अपनी आंखों की सुरक्षा चाहते हैं या अपनी आंखों को और ज्यादा डैमेज करना चाहते हैं। इसलिए देखेंगे आजकल छोटे छोटे बच्चे भी मतलब जो ज्यादा फोन वगैरह चलाते हैं, तो उनको कुछ टाइम बाद आंख जब वीक पड़ जाती है तो वही फिर डॉक्टर से मिलते हैं, फिर चश्मा वगैरह आंखों में लग जाता है। और मैं तो 8-8 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा काम भी कंप्यूटर पर होता है, इसलिए मैं अभी 2-3 साल से चश्मा लगा रहा हूँ मतलब, क्योंकि मेरा काम भी टोटली कंप्यूटर पर ही होता है। बाकी मेरा वही बात फोन की, तो मैं फोन बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ, अपने घर पे हूँ चाहे ऑफिस में हूँ या कहीं भी हूँ, फोन में सिर्फ बहुत ही नाम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने देखा इन चीज़ों को, इसलिए मैं आपको संग शेयर कर रहा हूँ कि आप कम मतलब ज्यादा मोबाइल फोन ना चलाए अपनी आंखों की बेहतरी के लिए मतलब। और जो फोर्थ जो हैबिट है जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपको जैसे जो खाना वगैरह होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर का लंच हो गया, रात का डिनर हो गया, इन
जो भी आपका खाने का टाइम है उसको मतलब समय पर, जैसे कई लोग नहीं खाते मतलब, तो समय पर ना खाने से उनका हेल्थ की प्रॉब्लम इश्यू होने लगती है। क्योंकि कोई जब हमें कोई चीज़ सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट का टाइम होता है मतलब 9 बजे तक, तो अगर वही ब्रेकफास्ट हम लेट करते हैं और फिर उसके बाद फिर 1-2-3 घंटे बाद 1 से 2 के बीच में लंच का टाइम हो जाता है, और अगर हम ब्रेकफास्ट 10 बजे किया फिर 1 बजे खाते हैं, तो जो टाइम टेबल होता है बॉडी का, क्योंकि बॉडी में जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसको पता होता है कितने टाइम में ब्रेकफास्ट मतलब आपकी बॉडी को ब्रेकफास्ट और डाइट मिलेगा, इसके बाद फिर लंच मिलेगा, फिर डिनर, तो एक प्रॉपर टाइम है जब मशीन को वो खाना मिलता है मतलब, तो वो उसी हिसाब से उसको मतलब उसको पाचन करती है मतलब ठीक करती है मतलब डाइजेस्ट करती है। लेकिन पहले हम क्या बोलते हैं कि हमने लेट ब्रेकफास्ट किया लेकिन उसके 2 घंटे बाद हमने लंच भी खा दिया, तो एक प्रॉपर गैप नहीं मिला जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर भी इसका इफेक्ट हो सकता है। तो हमें पर कहने का मतलब, हमें हमारी अगर आदत है लंच हो गया या डिनर हो गया या ब्रेकफास्ट हो गया हम लेट करते हैं मतलब या टाइम पर नहीं करते हैं, तो हमें इस हैबिट को चेंज करना चाहिए। और जो भी हमारा टाइम है मतलब खाना खाने का, चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट अगर हम 9 बजे करते हैं तो 9 बजे ही करें, या 8 बजे करते हैं तो 8 बजे ही करें, या लंच हम 1 से 2 के बीच में करते हैं तो 1 से 2 के बीच में करें, कभी 3 बजे ना करें या 12 बजे भी ना करें, हम रात का डिनर 9 बजे के 10 के बीच में करें, 9 से 10 के बीच में करें, लेट नहीं करें कहने का मतलब। तो ऐसे हैबिट अगर आपकी है मतलब कि जो आपका टाइम टेबल है खाना मतलब खान पान का मतलब सुबह का हो दोपहर का हो या रात का हो ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो, तो आपको लेट नहीं करना है, टाइम पर करना है अपने सेहत की बेहतरी के लिए, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो आप हैप्पी रहोगे, स्ट्रांग रहोगे और खुश रहोगे। और जो पांचवी और लास्ट हैबिट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको अपनी लाइफ में नहीं करना चाहिए, वो ये है कि आजकल के टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रीट फूड्स का जमाना है मतलब, हर कोई स्ट्रीट फूड या ऑयल जैसे पसंद करता है मतलब, फास्ट फूड हो गया जो कि एग्जांपल के तौर पर आप सभी देखते होंगे कि चाउमीन, बर्गर, टिक्की, समोसा, पिज्जा, मोमोज और भी बहुत सारी चीजें मतलब फ्रेंच फ्राइज, तो बहुत सारी चीजें स्ट्रीट फूड भी कह सकते हो, फास्ट फूड भी कह सकते हो, जो कुछ ही मतलब कुछ ही मिनटों में रेडी हो रहता है और काफी लोगों को चटपटी चीजें पसंद होती हैं, तो लेकिन ये जो चीजें होती हैं कभी कभार टेस्ट के लिए तो अच्छी होती है, बट ऐसे हेल्थ पर्पज से अगर आप इन चीजों को खाते हैं मतलब टेस्ट के लिए तो अच्छी होती है, मोमोस हो गया, बर्गर, टिक्की, चाउमीन, समोसा हो गया मतलब, बट टेस्ट पर्पज ओके होते हैं जो कि आप कभी कभी इन चीजों को खा सकते हो, बट आप इन चीजों को मतलब एक हैबिट के तौर पर नहीं खाना चाहिए मतलब, कि मोमोज खा रहे हैं मतलब, तो इन चीजों का काफी मतलब बॉडी पे इफेक्ट भी होता है, जैसे कि ज्यादा तीखी चीज, मोमोज की जो चटनी होती है काफी ज्यादा तीखी होती है और तीखी चीज अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, तो आप कभी कभार खा सकते हो, बाकी तो आपका राइट है कि आप जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हो मतलब, लेकिन अगर आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखना है मतलब, तो पांचवें पॉइंट के अंदर यही बता रहा हूँ, ज्यादा तली हुई चीजें आपको नहीं खानी, क्योंकि जो समोसा तलते हैं या मोमोस भी, एक होता है स्टीम वाला होता है, एक होता है फ्राई वाला, तो जो मोमोस को जो तल के निकालते उसमें भी काफी ऑयल होता है, छोले भटूरे हो गए तो भटूरे को जिसको तल जिसमें तल के निकालते भटूरे में काफी ऑयल होता है, या दूसरी बहुत सारी ऑयल वाली चीजें होती है मतलब, बर्गर होता है, बर्गर को भी आजकल जैसे कॉलोनियों के अंदर जो मार्केट में बेचते हैं मतलब बर्गर, तो बर्गर में भी जब उसको तेल में ऐसे फ्राई करके खाते हैं उसमें भी ऑयल होता है, तो कहने मतलब जो भी तली हुई चीजें होती हैं आपके हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होती है, और आपको इन चीजों को मतलब खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए मतलब, और अगर आप इन चीजों की आदत डालते हो तो आप सभी को पता ही है कि जो टेस्ट में तो आपको काफी अच्छा लगेगा, लेकिन जब यही चीज काफी लॉन्ग टाइम तक आप इन चीजों का हैबिट बना लेते हैं, तो आप देखते हैं कि जो लोग ज्यादा ऐसी चीजें खाते हैं तो उससे उनका जो फैट होता है बॉडी का बढ़ने लगता है मतलब, फिर वो ऐसे कोई लोग पिज्जा खाते हैं या बर्गर खाते हैं, समोसा, टिक्की, मतलब एक टेस्ट के तौर पर ना खाकर एक हैबिट के तौर पर खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो वेट होता है बॉडी का वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जब वेट बढ़ने लगता है तो काफी सारी चीजें क्रिएट होने लगती हैं हेल्थ से रिलेटेड मतलब, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगता है, क्योंकि जब आपके बॉडी का वेट बढ़ने लगेगा तो आपके साथ कई सारे बीमारियां भी जुड़ने लगती हैं आपके साथ मतलब, डायबिटीज होने के चांसेस हो रहते हैं मतलब, जब वेट बढ़ता है तो ज्यादा जाहिर सी बात है जब बंदा ऑयली वगैरह चीज खाए तो चीनी या शुगर से रिलेटेड चीजें भी खाएगा ही, तो
तो मतलब एक के बाद एक फिर दूसरी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो कहने मतलब आपको सीधी सीधी कि ज्यादा तली हुई चीजें खाने की ना आदत डालनी है, और इसके लिए पे आपको फ्रेश फ्रेश चीजें खाने चाहिए। फ्रूट्स हो गया, सैलेड हो गया, जूस हो गया, और वेजिटेबल जूस वगैरह हो गया, या प्रोटीन के लिए चने होते हैं, मतलब जो अंकुरित वाले चने होते हैं उनमें उसका आप सैलड बना के खा सकते हैं। मतलब तो खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आपको वो चीज़ खाना है जो आपकी हेल्थ के लिए बेटर हो, बेस्ट हो, जो आपको लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रखे। कहने मतलब अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं तो उसका आपको फिर आगे रिजल्ट आपके हेल्थ को उसका काफी बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो डिसाइड आपको करना है आपकी लाइफ है कि आपको किस वे में आपको अपने हेल्थ को बेटर रखना है या अपने टेस्ट को महत्व देना है, जो आपकी जबान का मतलब, क्योंकि चीजें तो होती हैं टेस्टी और जो स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड होते हैं लेकिन वो हेल्थ परपज से वो ठीक नहीं होती है। कभी कभार आप खा सकते हो बट उसको आप कंटिन्यू वे में अगर खाओगे तो उसका आपको बैड इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी चार पांच वो हैबिट है जो आपको अपने लाइफ में इनको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, और जीवन में इनको अपने ऊपर मतलब इनको इनको अपने साथ इनको अपने जीवन का एक हिस्सा या हैबिट बनने से इनको दूर रखना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि ये ऐसे जो चार पांच मैंने आपको हैबिट्स बताई हैं वो आपके लाइफ में ना हो, क्योंकि अगर ये आपके लाइफ में नहीं होगी तो आपका जो लाइफ है वो काफ़ी बेटर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप इन चार पांच हैबिट्स को नहीं अपनाएंगे और इनको फॉलो करेंगे। कैसा लगा आप सबको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि हमेशा अपने जीवन लक्ष्य पर फोकस करें। मतलब आपका जो भी अपने जीवन का लक्ष्य है उस पर हमेशा फोकस करें, हमेशा अपने जीवन के लक्ष्य पर फोकस करें। मतलब तो इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आजकल का जो टाइम है काफ़ी भाग दौड़ भरा है, हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी है अपने अपने काम को लेकर। चाहे हम अगर स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट के लाइफ में भी चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ता हो, होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिकल करना है, असाइनमेंट बनाने हैं, प्रोजेक्ट बनाने हैं, और इस तरीके से जो बंदे जॉब वगैरह भी करते हैं तो उनको अपना सुबह उठना है, फ्रेश होकर ऑफिस जाना है, ऑफिस सारा काम करना है, मीटिंग वगैरह टाइम पर करनी है, फाइलिंग वगैरह का काम करना है, जो भी उनका काम वो करना है। इस तरीके से जो वर्किंग लेडीज होती हैं उनको भी सुबह उठकर नाश्ता तैयार करना, सुबह दोपहर का मतलब सुबह लंच पैक करके देना, बच्चे को स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम करना, मतलब तो इस तरीके से जिन हर व्यक्ति का जो अपना अपना लाइफ का दिनचर्या होता है, डेली रूटीन होता है, मतलब हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में अपने अपने काम को लेकर बिजी है। और इस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग हम देखते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल क्लास फैमिली या नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जो बंदा या जो व्यक्ति रिच फैमिली से बिलोंग करता है उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर हैं, जो चाहे वो इजी मतलब आसान तरीके से बंदा खरीद सकता है, मतलब बड़े बड़े के बिजनेस होते हैं, मतलब और लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है। सेकंड नंबर पर देखते हैं मीडियम क्लास फैमिलीज को, जो उनकी भी लाइफ अच्छी होती है, अच्छे ढंग से जॉब कर रहे होते हैं, अच्छी अच्छे से पढ़ाई वगैरह की होती है, और अपनी गाड़ी होती है, अपना घर वगैरह भी होता है, मतलब। और इस तरीके से जो जो थर्ड लेवल पे होते हैं सिंपल क्लास है, नॉर्मल क्लास और क्लास है फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, ऐसे लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है, मेहनत होता है, और ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि जो पढ़ाई वगैरह उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं कर पाते हैं, मतलब बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग नॉर्मल पढ़ाई वगैरह करके मतलब ग्रेजुएशन तक करके फिर काम की तलाश में गांव से शहरों की ओर जाते हैं, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, ताकि उनको रोजगार मिल सके और वहीं पर काम कर कर अपने घर को संभालते हैं और घर की नीड्स को पूरी करते हैं। ऐसे बंदों के पास अपना घर का भी नहीं और मतलब अपना घर नहीं होता क्योंकि वो बाहर से आते हैं, मतलब दूसरे शहर से, तो शहरों में जाकर रेंट पर रहते हैं, सुबह ऑफिस जाने के लिए भी बस पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं और अपने ऑफिस जाते हैं, और काम करते हुए
अपने घर को संभालते हैं और घर के नीड्स को पूरी करते हैं। इस तरीके से इनका लाइफ वगैरह चलता रहता है। और इस तरीके से जब कोई बच्चा मतलब इस वर्ल्ड के अंदर पैदा होता है, मतलब चाहे वो किसी फैमिली में क्यों ना पैदा होता हो, तो ऐसा माना जाता है कि 1 से लेकर 3 साल तक की जो एज होता है वो इस एज के अंदर 2-3 काम ही करना सीखता है, जैसे चलना फिरना हो गया, बोलना हो गया, क्योंकि उसके दांत वगैरह निकलते हैं, और खाना वगैरह सीखता है, मतलब चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, और यही चीजें करना सीखता है। मतलब जैसे ही वो मतलब 4थे साल में प्रवेश करता है, मतलब उसे स्कूल में डाल दिया जाता है, मतलब पढ़ाई करने के लिए, जैसे 3 साल कंप्लीट करके और 4थे साल में प्रवेश करता है। और आप सभी को पता है कि हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, जो कि 1st से लेकर प्राइमरी तक होता है, देन 6 से लेकर 10th जिसको हम सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, और देन 6 से लेकर 12th तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल जो स्टार्ट होता है वो KG से स्टार्ट होता है, देन LKG, UKG, 1st, 2nd, नर्सरी, नहीं सॉरी, नर्सरी से स्टार्ट होता है, देन नर्सरी, KG, LKG, UKG, 1st, 2nd, इस तरीके से आगे की बड़ी क्लास होती है। तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, और फिर वही बच्चा वहीं से अपनी स्टडी लाइफ शुरू करता है, वहीं से पढ़ाई करना शुरू करता है। तो वो हर एक क्लास को अपनी मेहनत लगन और परिश्रम से पास करता हुआ तो जाता है, लेकिन क्योंकि वो भी छोटा होता है तो ऐसा माना जाता है कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की रहती है वो बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है। तो उस बच्चे का जो भी उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, मतलब चाहे वो उसकी गली में रहते हों, क्लास में हो, स्कूल में हो, या घर के अंदर मामा बुआ चाचा ताऊ के लड़के हो, मतलब जो भी बच्चे होते हैं, मतलब उनके साथ उसको खेलने कूदने में काफी मजा आता है, क्योंकि वो बचपन का टाइम होता है। और जब वो खेलता कूदता है तो कई बार उसको चोट वगैरह भी लगती है, कपड़े वगैरह भी गंदे होते हैं, बाल वगैरह भी गंदे होते हैं, पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़े अगर चोट भी लग जाती है तो कुछ टाइम के लिए वो दुखी होता है, लेकिन फिर से वो दोबारा से खेलना स्टार्ट कर देता है। और इस तरीके से उसका मतलब 4 साल से 13 साल तक ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में प्रवेश करता है, 14th ईयर में, तो वो धीरे धीरे बाहर की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे होमवर्क टाइम पर करना है, नीट एंड क्लीन दिखना है, कपड़े गंदे नहीं करने हैं, क्योंकि कपड़े गंदे करेंगे तो मम्मी मारेगी, और कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, मैडम भी मारेगी, मतलब। तो वो अपने लाइफ के बारे में मतलब डिसीजन लेना और सोचना शुरू कर देता है। वो ये भी देखता है कि जो उसके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादाजी हैं या नाना जी हैं, उन्होंने अपने लाइफ में किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर हमारे घर को संभाला, हमारे जो उनके पिताजी उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई, फिर उनके पिताजी ने और घर की नीड्स को पूरे किया, और इस तरीके से उनके पिताजी ने भी मतलब आज किसी न किसी फील्ड में करियर बनाकर घर को संभालना है, घर की नीड्स को पूरी कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, कहने वाले। तो इस तरीके से इसको अगर अगर अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ अच्छा बनना पड़ेगा, ताकि वो भी अपने लाइफ में मतलब कुछ कर सके, कुछ बन सके। तो आप सभी को पता है कि आजकल के टाइम में अगर हमें कुछ बनना है लाइफ के अंदर, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अपना किसी मतलब जो जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फोटोग्राफर, लेक्चर, डायरेक्टर, टीचर, डांसर, सिंगर, अच्छी बॉडी वगैरह, हाइट वगैरह होती है तो लोग आर्मी वगैरह में भर्ती हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग बॉडी गार्ड, जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ही बन जाते हैं। तो आजकल हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको बस डिसीजन ये लेना है कि आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो। तो इससे इस तरीके से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, पहले उसको डिसाइड कर लो कि आप अपने लाइफ का लक्ष्य क्या है, आप अपने लाइफ में बनना क्या चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा जो आपके अपने लाइफ का लक्ष्य है उस पर आप फोकस करें, क्योंकि आप उसी को फोकस करोगे तभी आप अपने लाइफ में कुछ बन सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो आपको मैंने सारे ऑप्शन बताए, बाकी जो भी आपको उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो तो आप उसको सोच सकते हो उसके बारे में। और सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यानी निर्णय लेना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ बनना क्या चाहते हो, और डिसाइड करने के बाद आप फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। मतलब क्योंकि उसमें जब आप क्योंकि वो जो भी आप अपने लाइफ बनना चाहते हो, वो कोई 1 साल, 1 महीने या 2 साल या 3 साल में आप उसको अचीव नहीं कर सकते, इट विल टेक टाइम। मतलब तो आपको उसके ऊपर, जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो से बता चुका हूँ कि आपको उसको अचीव करने के लिए जॉब बनना चाहते हो, आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा लाइफ के अंदर, आपको उस पर पूरा 100% फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा, आपको उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रैक्टिस करने से ही
परफेक्शन आती है, क्योंकि बोलते हैं इंग्लिश में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट परफेक्ट बनाती है। तो आपको इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी आप अपने लाइफ बनना चाहते हो। तो मान लो आपने डिसाइड कर लिया, तो जो भी आपको उसमें काम वगैरह या प्रोजेक्ट या टास्क या प्रैक्टिकल मिलता है, तो आपको उसमें हार्डवर्क, फोकस, एफर्ट, प्रैक्टिस और पांचवी चीज़ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें जो आप अपने लाइफ में लक्ष्य को डिसाइड करते हैं, वो कोई 1 साल, 2 साल या 3 साल में नहीं, जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाओगे, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं आ जाएगी, तब तक आप उतना सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इतने सारे डांसर हैं या क्रिकेट बहुत सारे बंदे खेलते हैं, बट बहुत ही कम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि जो बंदे आगे बढ़ते हैं उनके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है, वो परफेक्शन आ जाती है। जब तक आपके परफेक्शन नहीं आएगा, तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। मतलब तो आपको अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी है, वो परफेक्शन लाना है। और ये सब कैसे होगा, जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं, और उसके पहले आपको आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अपने बनना क्या चाहते हैं। और बनने के बाद आपको उस पर ऑलवेज टाइम उसी पर मतलब केंद्रित, मतलब उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, मतलब केंद्रित होकर उस पर रहना पड़ेगा, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो। मतलब और जब आप इन रूल्स को फॉलो करोगे, जो मैंने आपको 4-5 बताए हैं, और जो मैंने आपको बताया कि आप जब ऑलवेज टाइम अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे, मतलब जो आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, तो आप देखोगे कि जब आप मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, फोकस कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, और बार बार आप जब उस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको आपको रिजल्ट दिखना लगेगा कि हाँ, आपके अंदर वो क्वालिटी आते जा रही है और परफेक्शन आते जा रहा है, जिससे आपका जो आत्मविश्वास है, यानी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो भी आपका बढ़ रहेगा। और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, मतलब क्योंकि जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपको अंदर से गुड फीलिंग होगा, पॉजिटिव फीलिंग होगी, हाँ आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और आप आगे जाकर आपको उसमें जरूर सक्सेस मिलेगा। मतलब तो ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो, कि आप जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने जीवन का जो आपका लक्ष्य पर आपको ऑलवेज टाइम फोकस करना पड़ेगा। मतलब तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।